मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर की आवाज सुन पाते हैं। वो कहता है कि लोग ज्यादातर अपने लिए प्यार ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं इस प्यार से दूर भागता हूँ। मैंने इसके लिए 3 रूल्स बनाए। रूल नंबर 1, नेवर लाई। मैं अपने इंटेंशन हमेशा क्लियर रखता हूँ और कभी झूठ नहीं कहता। रूल नंबर 2, नो हैंगिंग आउट। मैं किसी लड़की के साथ ना तो बाहर घूमने जाता हूँ, ना उसे घर पर बुलाता हूँ। रूल नंबर 3, किसी भी लड़की के साथ मैं अपना रिलेशनशिप 3 मंथ से ज्यादा नहीं रखता, ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ्स। इस तरीके से वो किसी से भी प्यार होने से बचकर रहता है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम था लुईस। वो एक बैचलर था और अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता था, किसी के भी प्यार में पड़ने से हमेशा बचकर रहना चाहता था। उसे लगता था कि अगर वो किसी से प्यार करेगा तो उसका दिल टूट जाएगा, और इसी से बचने के लिए वो रिलेशनशिप में भी नहीं रहना चाहता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो एक लड़की के साथ था। तभी उसे पता चलता है कि उस लड़की का एक हस्बैंड है। ये सुनकर वो उठकर वहां से चला जाता है। वो घर आकर शावर लेता है। इसके बाद हम लुईस की मॉम को देखते हैं। वो शादी के लिए उसके पीछे पड़ी थी। लुईस तो शादी नहीं करना चाहता था। मॉम कहती है कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, कभी ना कभी तो मुझे दुनिया छोड़कर जाना ही पड़ेगा। लुईस उसकी मॉम को कहता है कि तुम अभी 68 ईयर्स की हो और अभी बहुत ही हेल्दी हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लुईस की मॉम के जोर डालने पर अपनी मॉम की बात वो काट देता है, वहां से चला जाता है। लुईस अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गया, जिसके साथ वो 3 मंथ से ज्यादा नहीं रहेगा। इसके बाद हम हमारे और एक मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम था लीना। लीना एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी, पर इसी के साथ साथ उसका और एक काम था। अगर रियल लाइफ में लोगों को अगर फेक वाइफ, फेक सिस्टर, इस टाइप का रोल करने वाला कोई चाहिए होगा तो लीना ये कर सकती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि लुईस की मदर का बर्थडे था। लुईस एक अच्छा शेफ है और इसी वजह से सबके लिए वो खाना बनाता है। वो खाना बहुत ही अच्छा बना था। सभी लोग फिर साथ में आते हैं। लुईस की मॉम के सामने केक रखा जाता है। वो केक की कैंडल्स ब्लो करने जाती है। इसी बीच मॉम को चक्कर आने लगते हैं। वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। ये देखने के बाद लुईस ने उन्हें संभाला। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद मॉम पर टेस्ट होते हैं। टेस्ट की रिपोर्ट लेकर लुईस की मॉम बाहर आती है। उनसे पूछते है कि हुआ क्या, क्या सब कुछ ठीक है। लुईस की मॉम उन्हें बताती है कि मेरे पास जीने के लिए अब सिर्फ 6 मंथ्स है। ये सुनकर सब लोग कहने लग जाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, इतनी जल्दी नहीं मर सकती। लुईस भी बहुत टेंशन में आ गया था। सबकी बातें सुनकर लुईस की मदर कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक ना एक दिन तो सबको मरना है। लुईस की सिस्टर्स अपनी मॉम को गले लगाकर रोने लग जाती है। लुईस को भी बहुत रोना आया। वो कहता है कि चाहकर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मॉम कहती है कि तुम मेरे लिए तो कुछ कर सकते हो। उन्होंने कहा कि मेरी लास्ट वीक है, एक अच्छी सी लड़की के साथ शादी कर लो। लुईस ये सुनकर घबरा जाता है, कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। पर अब उसकी मदर की हालत भी बहुत खराब थी, इसी वजह से वो मान जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुईस अपनी कुछ एक्स गर्लफ्रेंड्स को कॉल करता है, उन्हें शादी के लिए पूछता है, पर कोई भी उसे रिप्लाई नहीं देती। इसके बाद अपने फ्रेंड के पास हो जाता है, उसे हेल्प मांगता है। प्रॉब्लम सुनकर फ्रेंड उसे लीना की फोटो दिखाता है। वो कहता है कि तुम्हारी वाइफ बनने का नाटक कर सकती है, ये भी एक एक्ट्रेस है। लुईस को फ्रेंड की बात बहुत ही अच्छी लगी, अब लीना से मिलने के लिए रेडी था। दूसरी तरफ हम लीना को उसकी रिहर्सल करते हुए देखते हैं। तभी उसे लुईस के फ्रेंड का कॉल आता है। वो कॉल नहीं उठाती क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रही थी। इसके बाद अपना सामान लेकर वो कैफे पर आती है और उसने कॉल पिक किया। लुईस उसे उसकी फेक फियांसे बनने के लिए कहता है। लीना तो पहले नाटक करती है कि वो बहुत ज्यादा बिजी है, पर उसे कोई भी काम नहीं था। फिर से कॉल उसने किया और कहती कि तुम आज बहुत लकी हो क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा काम अब फ्री हो चुका है, मैं तुम्हारा काम कर सकती हूँ। उसे उसके घर पर बुलाती है। लुईस लीना से मिलने के लिए आया। वो दोनों एक दूसरे से बात करने लग गए। सबसे पहले वो लुईस के साथ एक्टिंग की प्रैक्टिस करती है। थोड़ी देर बाद लीना के दरवाजे पर कोई आता है। उसने डोर ओपन किया तो दूसरी तरफ हाउस ओनर थी, वो उसे रेंट मांग रही थी। जैसे तैसे कर लीना उसे वहां से भगा देती है। और फाइनली लुईस के बाद लीना से हो गई थी। अगले दिन लुईस उसे उसकी मदर से मिलवाने वाला था। नेक्स्ट डे लीना लुईस के घर के बाहर आती है। लुईस उसे देखकर गुस्सा था क्योंकि वो बहुत ही हेवी ड्रेस पहन कर आई थी। अब इसके बावजूद लुईस अपनी मदर से उसे मिलवाता है। मदर उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है, उसके गले लगती है। मदर ने लीना को बैठने के लिए कहा। मदर पूछती है कि तुम काम क्या करती हो। लीना कहती कि मैं एक डॉक्टर हूँ। ये सुनकर लुईस बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया था क्योंकि उसने ऐसा कहने के लिए उसे नहीं कहा था। अब लुईस की मदर ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उसे कहती है कि मुझे रिपोर्ट्स मिले, डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 6 मंथ्स है। ये रिपोर्ट देखकर क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्या ये सब कुछ सही है। ये कहकर मदर रिपोर्ट लेने के लिए गई। अंदर जाने के बाद लुईस नाराज था क्योंकि ऐसा कहने के लिए उसने नहीं कहा था। लुईस की मदर रिपोर्ट लेकर आई और लीना को दिखाती है। लीना देख ही रही थी तभी अचानक से डोरबेल बज जाती है। लुईस की मॉम दरवाजा खोलने के लिए जाती है। लुईस लीना को साइड में ले जाकर कहता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही कह दिया, इतना भी शो नहीं करना चाहिए था। मदर ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर लुईस की सिस्टर्स थी। वो अंदर आते और चॉकलेट लाए थे। लुईस अपनी मदर से कहता है कि उसे चॉकलेट केक नहीं पसंद।
मदर कहती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं तो लीना के लिए लाए थे। सभी लोग फिर खाना खाने के लिए बैठते हैं। खाना खाते वक्त लुइस की सिस्टर मारिया ने क्वेश्चन पूछा। वो कहती है कि तुम दोनों कहाँ पर मिले। इस पर वो दोनों अलग अलग जवाब देते हैं। कुछ भी कर उन्होंने बात संभाल ली थी, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। लीना को ठीक से बात करना भी नहीं आ रहा था। वो एक्साइटमेंट में कह देती है कि लुइस और मुझे एक्शन मूवीज देखना बहुत पसंद है। लीना अब स्क्रिप्ट से बहुत ज्यादा बाहर जा रही थी। ये सब होने के बावजूद सब कुछ संभाल लिया जाता है। सब लोग मिलकर लीना के साथ सेल्फी लेते हैं। इसके बाद लीना को उनकी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देते हैं। थोड़े टाइम बाद लीना लुइस की फैमिली के साथ खुल मिल जाती है। लुइस अब उसे घर छोड़ने के लिए जाने वाला था, लेकिन सबके सामने वो ऐसा दिखाता है कि वो बाहर घूमने जा रहे हैं। सिस्टर्स में मारिया लुइस से बहुत जेलस फील करती है। लुइस की सब लोग बहुत तारीफ कर रहे थे। उसे पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि बचपन से ही अपनी मदर की वो लाडरी रही थी। लीना और लुइस पर उसे ऑलरेडी शक था। वो जाकर अपने हस्बैंड की गाड़ी में बैठ जाती है। जैसे ही वो दोनों वहां से निकले, उनका पीछा कर सच्चाई के बारे में वो पता कर सके, इसी वजह से वो ये कर रही थी। उसका हस्बैंड समीर उससे पूछता है कि आखिर में बात क्या है। मारिया कहती कि पहले तो शादी मेरी हुई थी, इसके बावजूद सभी उसकी वाह वाह कर रहे हैं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। लुइस लीना को घर के बाहर लेकर आता है। वो लीना से लड़ रहा था क्योंकि लीना ने बहुत बुरी एक्टिंग की थी। वो कहता है कि हमने जो भी सब रिहर्सल की थी, ये सब कुछ वेस्ट हो गए, तुम एक बहुत ही घटिया एक्ट्रेस हो। लीना कहती कि मुझे घर छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ कहीं पर भी आना नहीं चाहती। लुइस कहता है कि बाहर भी मैं इसीलिए आया ताकि तुम्हें घर छोड़ सकूं। वैसे भी मुझे ग्लोरिया से मिलने के लिए जाना है, आज उनकी डेट थी। लुइस लीना के घर के यहाँ पर गाड़ी रोकता है और उसे जाने के लिए कहता है। तभी वहां पर उसकी सिस्टर आके वो लीना से हेल्प मांगती है। लीना लुइस से कहती है कि मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी है। लुइस कहता है कि प्लीज इसे संभाल लो, मैं तुम्हें डबल पे कर दूंगा। इसके लिए फिर वो मान जाती है। इसके बाद मारिया उन्हें एक रेस्टोरेंट में लेकर गए। बातों बातों के बीच में लुइस को यहाँ से जाना था क्योंकि ग्लोरिया उसका वेट कर रही थी। लुइस कहता है मुझे जरा बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने कार के लाइट्स ऑन रखे थे। मारिया कहती कि समीर बंद कर आएगा, तुम यहीं पर बैठो। लुइस का प्लान फेल हो गया था। इसके बाद दोनों बात करते हैं। लीना लुइस से कहती है कि तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करना था, वो जाकर तुम कर सकते हो। ये सुनकर भी मारिया उसे नहीं जाने देती। अब लुइस को ग्लोरिया का कॉल आता है लेकिन वो पिक नहीं कर सकता था। अब इससे निकलने के लिए लीना को एक आइडिया आया। लुइस से लड़ने की एक्टिंग करती है और वहां से नाराज होकर चली जाती है। वो सीधा ग्लोरिया के पास गए। उसे कहती है कि मैं लुइस की सिस्टर हूँ। बताती है कि लुइस थोड़ा सा काम में फंस गया था, इसी वजह से अपना फोन भी नहीं उठा पाया, इसी वजह से सॉरी कहने के लिए उसने मुझे भेजा है। ये सुनने के बाद ग्लोरिया उसे थैंक यू कहती है। अब लीना ने ये सिचुएशन संभाल ली थी। रात में लीना लुइस को कॉल कर कहती है कि मैंने सब कुछ संभाल लिया था, पर इस काम के लिए मैं जरा एक्स्ट्रा चार्ज करूंगी। नेक्स्ट डे लुइस उठकर अपनी मॉम से मिलता है तो वहां पर लीना थी। लुइस मदर से पूछता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। मदर कहती कि मैंने इसे ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट किया था, मैं चाहती हूँ कि वो हमारी फैमिली बनकर हमारे साथ ब्रेकफास्ट करे। दोनों के लिए मदर ने एंगेजमेंट गिफ्ट भी लाए थे। मदर दूर जाने के बाद लुइस लीना से पूछता है तुमने इन्विटेशन एक्सेप्ट क्यों किया। लीना कहती कि पहली बात तो ये मुझमें मैनर्स है और दूसरी बात यह है कि गिफ्ट लेना मुझे बहुत पसंद है। लुइस उसे कहता है कि सबके लिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे नहीं करूंगा। इसी बीच उसकी मॉम आती है, वो साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीना और लुइस को मदर ने गिफ्ट में उनकी फैमिली का अपार्टमेंट दिया था। वहां अपार्टमेंट में लुइस बैठा हुआ था, तभी वहां लीना आती है। लुइस लीना से कहता है कि तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी 6 मंथ्स में मैं तुम्हें गुड बाय कह दूंगा। यहाँ लीना और लुइस साथ में फोटो क्लिक करते हैं। लुइस इन फोटोज को मदर को भेज देता है। फोटो देखकर मदर को भी बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद धीरे धीरे लुइस और लीना की फ्रेंडशिप बढ़ जाती है। एक रात साथ बैठकर वो ड्रिंक कर रहे थे। लुइस उससे पूछता है कि इससे पहले तुम क्या क्या बनी थी। वो कहती कि एक बार मैं बेटी बनी थी, किसी की माँ भी बनी थी और बहुत सारे रोल उसने किए थे। इसके बाद वो दोनों एक दिन ब्रेकफास्ट कर रहे थे। लीना लुइस को कहती है कि उसकी एक्टिंग का प्रीमियर होने वाला है, उसे वहां जरूर आना है। लुइस इसके लिए उसे मना कर देता है, उसका शेड्यूल नहीं चेंज कर सकता। इस बात से लीना उस पर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद लुइस ग्लोरिया से फोन पर बात करता है। बाहर गैलरी में खड़ा हो जाता है। बाहर वो देखता है कि उसके सिस्टर मारिया उस पर नजर रख रही है। ये देखकर वो गैलरी से हट जाता है। नेक्स्ट सीन में लुइस और लीना शॉपिंग पर जाते हैं। यहाँ लुइस उसे बताता है कि उसकी सिस्टर उस पर स्पाय कर रही है। इस बात पर वो हंसती है। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं। वहां पर लुइस कहता है कि मैं किसी के साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। लीना कहती है कि मैं ये सब नहीं करने वाली, मैं सिर्फ एक एक्ट्रेस हूँ, मैं मेरी एनर्जी इन सब चीजों में बर्बाद नहीं करती। लीना उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो ग्लोरिया के पास जा सकते हो, वहां पर भी मैं तुम्हारी सिस्टर होने की एक्टिंग कर सकती हूँ, इससे किसी को शक भी नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में ग्लोरिया लुइस के पास आती है। यहाँ पर लीना भी थी, वो लुइस की सिस्टर बनी हुई थी। इसके बाद वो तीनों बातें करते हैं। ग्लोरिया और लुइस ये दोनों इंटीमेट होने लग गए, पर ग्लोरिया को कुछ अर्जेंट काम आ जाता है और वहां से वो चली जाती है। इसके बाद लुइस और लीना ने बातें की। लीना लुइस को कहती है कि तुम्हारी सिस्टर का नाटक करने का मैं चार्ज नहीं लूंगी, पर इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैं एक बैचलर पार्टी रखने वाली हूँ,
इसमें तुम्हें शेफ का काम करना पड़ेगा। इसमें उसकी सारी फ्रेंड्स आने वाली थी। लुईस पहले तो इसके लिए मना कर देता है और बाद में इसके लिए मान जाता है। वो पार्टी में गया और वहां पर उसने देखा कि लीना की एक फ्रेंड एक्चुअल में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। एक्स गर्लफ्रेंड लुईस को देख लेती है और डायरेक्टली उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ गई। लुईस की वजह से उसकी शादी टूट गई थी। इसी बीच लीना वहां पर आकर सब कुछ संभाल लेती है। इसके थोड़े दिन बाद लुईस और लीना मिलते हैं और साथ में पब जाते हैं। वहां पर ग्लोरिया भी आती है। तीनों ने वहां पर डांस किया। इसके बाद लुईस और लीना साथ में अकेले थे। अब 3 मंथ्स गुजर चुके थे, यानी कि लुईस की मदर को जाने में अब 3 मंथ्स ही बाकी थे। लीना और लुईस दोनों परेशान थे क्योंकि 3 मंथ्स हो जाने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। इस वजह से दोनों को बुरा लग रहा था। इतना समय एक दूसरे के साथ स्पेंड करने की वजह से दोनों में एक बॉन्ड बन गया था। इसके बाद लुईस अपने मदर के यहाँ पर लंच के लिए जाता है। मदर कहती है कि मैं तुम्हारी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। लुईस खुश नहीं दिखता क्योंकि उसे ग्लोरिया पसंद थी। इसके बाद हम देखते हैं कि लुईस और ग्लोरिया साथ में कैंप पर जाना चाहते थे। किसी को शक ना हो इसी वजह से लुईस ने साथ में लीना को भी ले लिया। लीना भी इसके लिए मान जाती है। तीनों फिर कैंपिंग के लिए निकलते हैं। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि लीना और लुईस को एक जैसे ही सॉन्ग पसंद है। उनकी हरकतें भी सेम थी। दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं। फाइनली वो कैंप की जगह पर पहुंच गए थे। वहां पर टेंट लगाते हैं। रात में लुईस और ग्लोरिया ये दोनों एक ही टेंट में थे। वही लीना अपने सेपरेट टेंट में रहती है। रात में लुईस और ग्लोरिया ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे और इसकी आवाज लीना को अच्छी नहीं लगती। वो टेंट के पास जाकर वाइल्ड एनिमल की आवाज निकालती है, उन्हें डरा देती है। नेक्स्ट डे लीना और लुईस लकड़ी लेने के बहाने में जंगल में जाते हैं। वहां पर रोमांटिक फोटोज क्लिक करते हैं ताकि फैमिली ग्रुप में सेंड कर सके। दूसरी तरफ ग्लोरिया को फोन के रिंग की आवाज आती है। ये फोन लुईस का था। वो अपना फोन टेंट में ही भूल गया था। जल्दी से इसे वो पिक करती है और दूसरी तरफ मरिया थी। मरिया यानी एक्चुअल सिस्टर। ग्लोरिया को अब सब कुछ पता चल जाता है। फिर भी ग्लोरिया उन्हें देखने के लिए आती है। वहां पर वो देखती है कि लीना और लुईस ये दोनों साथ में रोमांटिक फोटोज ले रहे हैं। इसके बाद वो सारा सामान लेकर वहां से चली जाती है। लीना और लुईस जब वापस आते हैं तो टेंट और कार ये दोनों गायब थे। ग्लोरिया उनके लिए एक लेटर छोड़कर गई थी पर ये लेटर वो पढ़ नहीं पाते। ग्लोरिया एक डॉक्टर थी और डॉक्टर की राइटिंग में उसने ये लिखा हुआ था। रात भर वो उसी जगह पर रुकते हैं। दोनों की बॉन्डिंग और भी ज्यादा अच्छी होती है। इसके बाद नेक्स्ट डे वो सिटी में आते हैं जहां पर उन्हें लुईस की कार दिखती है। ग्लोरिया ने इस पर स्क्रैच करके गाली लिखी हुई थी। फिर से लुईस और लीना को उसकी राइटिंग समझ में नहीं आती। इस चीज को फिर से इग्नोर कर देते हैं। अब समय जरा आगे बढ़ता है। लुईस के परिवार में फैमिली रियूनियन का फंक्शन था जहां पर लुईस की सारी सिस्टर और उनके हस्बैंड के डांस कॉम्पिटिशन होने वाला था। इसमें लुईस और लीना भी थे। सबके बीच में वो दोनों जीत जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को चाहने लग गए। इसी बीच मारिया माइक लेकर दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करती है या सबके सामने उन दोनों का सच वो बता देती है। उसने सब कुछ फिगर आउट कर लिया था। अब लुईस भी अपनी मदर को सब कुछ सच सच बता देता है। मदर कहती है कि मुझे सब कुछ पहले ही पता था। जब मुझे पता चला तो लीना को मैंने पैसे दिए थे कि तुम्हारी अच्छी फ्रेंड बन सके। मदर चाहती थी कि उन दोनों में प्यार हो जाए। ये सुनकर लुईस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि ये सब लीना ने सिर्फ पैसों के लिए किया। गुस्से में वहां से वो चला जाता है। वो अकेले रहने लग गया लेकिन उसे अभी तक लीना की याद आ रही थी। दूसरी तरफ हम लीना को देखते हैं जो खुद उसकी यादों में डूबी हुई थी। एक दिन लुईस का फ्रेंड उसे समझाता है, कहता है कि लीना तुम्हारे लिए रियल थी। उसके आने के बाद तुम बदल गए थे, बहुत खुश रहने लग गए थे। वो कहता है कि तुम्हारा दिल जो कह रहा है तुम्हें वही